बनाएंगे रागी के आटे से चोको चिप्स कुकीज। एक बाउल में एक कप रागी का आटा लेंगे, उसमें आधा कप चीनी, पिसा हुआ चीनी डालेंगे, एक चौथाई कप मक्खन डालेंगे। ये घर का मक्खन है, आप चाहें तो बाजार का बटर भी ले सकते हैं या फिर घी भी डाल सकते हैं। दो बड़े चम्मच कोको पाउडर, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, इन सबको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें दो टेबलस्पून एक बार दूध डालेंगे। दूध एक बार में ज्यादा न डालें, एक बार दो टेबलस्पून ही दूध डालें और जरूरत पड़े तो ही दूध डालें, वरना न डालें। इसका पहले डो तैयार कर लें। दो टेबलस्पून दूध और डालेंगे। इसमें हमने चार टेबलस्पून दूध डाला है और इससे हमारा डो तैयार हो जाएगा। इस तरह का डो तैयार हो चुका है। अब इसे इस तरह दो हिस्से में कर लेंगे। और इसे बेलेंगे। इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। और इस तरह कुकी कटर से इसे काट लेंगे। आप कोई भी शेप का कटर ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा वाले को इस तरह निकाल देंगे। इसे फिर से बेल के फिर से काटेंगे। और इस पे ये चोको चिप्स चिपका देंगे। थोड़े अच्छे से दबा के इसे चिपका देंगे। और इसे उठाकर एक बेकिंग ट्रे में रख देंगे। सारे बिस्किट्स इसी तरह तैयार कर लेंगे। ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रखेंगे। इस तरह सारे बिस्किट को ट्रे में सजाकर मिडिल वाले रैक में 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए टाइम सेट करके रखेंगे। चोको चिप्स बिस्किट तैयार है। इसे बेक होने में 15 मिनट लगे हैं। अब इसे इस तरह एक रैक पे ठंडा होने के लिए निकाल के रखेंगे। और सारे बिस्किट को ठंडा होने देंगे। चोको चिप्स कुकीज तैयार है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। घर पे खुद से बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं।